ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाने कौन से होते हैं, उसके बारे में आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। ऐसे खाने जिसमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है उनको डायबिटीज़ के पेशेंट में और जिनको मोटापा रहता है उसमें ना खाने की सलाह दी जाती है। या हाई जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, उससे जो कैंसर के पेशेंट है, जो कार्डियक के पेशेंट है, जिनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, उनको भी ना खाने की सलाह दी जाती है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक तरह का मेजरमेंट सिस्टम है जो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर खाना खाने से आपके शरीर में शुगर की मात्रा कितनी बढ़ जाएगी, कितनी तेजी से बढ़ेगी, राइट। तो रेट ऑफ राइज इन ग्लूकोज कंसनट्रेशन, ये होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जैसे कि आपने गुलाब जामुन खा लिया तो कितनी तेजी से ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी, ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स से पता चलता है। तो जितनी जल्दी ग्लूकोज आपके शरीर में खाना खाने से बढ़ेगी वो खाना उतना ही बेकार होता है, स्पेशली डायबिटीज और मोटापे के पेशेंट के लिए। और ये जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फूड है इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब कि 55 से कम जिनका हो, मीडियम का मतलब है कि 55 से 70 के बीच में, और 70 से ज़्यादा जिनका होगा उसको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स बोलते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, लिपिड बढ़ा हुआ है या मोटापा है, उनको 70 से ज़्यादा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने उनको ना खाने की सलाह दी जाती है। और ये जो पैरामीटर लिया गया है वो ग्लूकोज खाने के बाद जितना शुगर का लेवल बढ़ता है उसको एक बेस माना गया है, राइट। अब उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो 100 से ज़्यादा भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है, जैसा कि माल्टोज शुगर का होता है। और अगर ग्लूकोज होता है उससे अगर कम बढ़ा रहा है कोई खाना तो वो 100 से नीचे में आ जाएगा। और यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ग्लूकोज लोड डिफरेंट है ग्लाइसीमिक इंडेक्स से। ग्लूकोज लोड का मतलब होता है कि किसी खाने में शक्कर की कितनी मात्रा है। ग्लूकोज लोड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है डायबिटीज़ के मरीजों में, और ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी रहता है। अब ये जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है ये चार पांच चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि जो खाना है उसमें टाइप ऑफ ग्लूकोज पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे फ्रक्टोज शुगर होती है जो कि फ्रूट्स में मिलती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, राइट। और जो माल्टोज होते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो माल्टोज के लगभग 105 होता है, और जो फ्रुक्टोज होता है उसका 23 होता है। ऐसे कुकिंग की मेथड है उस पर डिपेंड करता है, जो खाना खा रहे हैं उसके साथ में और क्या चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि फाइबर उसमें कितना है, उसमें सलाद का पोर्शन कितना है, उसमें सब्जी का पोर्शन कितना है, प्रोटीन का पोर्शन है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। और राइपनिंग पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनको अनराइप खाओ तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ज़्यादा राइपनिंग कर दो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो ये भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होगा कि नहीं होगा। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अपने से समझ पाएंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस खाने का कितना होगा और किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। एक मोटा मोटा आपको मैं हिसाब बता दूं कि ऐसे खाने जो कि मिलते हैं बेकरी की दुकान पे, उन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ऐसे खाना जब हम खुशी के मौके पे अपने घर में लाते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। और एकदम सरल भाषा में बताएं तो आप ऐसा खाना जो मुँह में रखते हैं और आपको मिठास का अनुभव होता है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो ये पहचानने के तरीके हैं। कुछ खाने जैसे कि एक शक्कर है अगर जिसमें होगी तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होगा, दूसरा मैदा में, इसके अलावा जो केक है, जो पेस्ट्री है, जो प्रोसेस्ड आइटम है, जो ज़्यादा रिफाइंड आइटम है, जैसे कि मैदा हो गई, या इसके अलावा जो पॉलिश राइस होता है उसमें हो गया, या जो सोडा होते हैं अलग अलग तरह के, किसी भी तरह के ड्रिंक हो जो मिठास वाली होती है, चाहे सोडा हो, चाहे कोक, चाहे पेप्सी, मिरिंडा, लिमका, इस तरह की कोई भी चीज़ है, मिठाइयाँ हैं अलग अलग तरह की, इन सब का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। मिठाइयों का, केक, पिस्ट्री, बच्चे जो चॉकलेट खाते हैं, कैंडी खाते हैं, जेली है, जेम है, इन सब का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से प्लस ही रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ कि जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फूड हैं उनको लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फूड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जिसका भी हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है उसको आप कुछ सलाद के साथ मिला के खाओ, राइट, या उसमें कुछ फाइबर ऐड करके खाओ। जैसे कि एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा है, बर्गर है। बर्गर के अंदर चूंकि जो ब्रेड रहती है वो मैदे की बनी रहती है और उसमें चीज डला रहता है जिनका कि
ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उसमें हम जैसे कि प्याज रख देते हैं, टमाटर रख देते हैं, खीरा रख देते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। या जैसे कि पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा के अंदर जो ऊपर की टॉपिंग होती है वो चाहे मशरूम की हो जाए या कुछ उसमें और भी डाला जाए, अलग अलग तरह से टोमेटो वगैरह बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें डाली जाती है, उससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है उसके पहले आप सलाद खा लो, या उसको फाइबर वाले खाने के साथ खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। अब थोड़ी सी मैं आप एक आपको लिस्ट बता देता हूँ ताकि एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाए। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज़्यादा है उसकी लिस्ट है। तो जैसे कि वाटरमेलन है, राइट। अब ये तरबूज जो होता है इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 72 होती है, और एक पाइन एप्पल है। फ्रूट्स में दो ही हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, बाकी का काफ़ी कम होता है। फिर ये हनी, शहद मीठी होती है, 73 है। अलग अलग तरह के जो डोनट्स मिलते हैं बेकरी दुकान में उनका काफ़ी ज़्यादा है, 75 है। फ्रेंच फ्राई है, आलू को हमने उबाल दिया है, राइट, इसलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तो आलू का भी होता है, सब्जियों में एक आलू है, दूसरी शकरकंद है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है, बाकी का कम होता है। तो फ्रेंच फ्राई है, फ्रेंच फ्राई जैसे हम लोग जैसे कि समोसा खाते हैं, या इसके अलावा अलग अलग तरह के पकौड़ा या दूसरी भी चीज़ें खाते हैं ना, वो सारी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। फिर ये व्हाइट राइस, जो पॉलिश वाले राइस होते हैं, बासमती राइस होते हैं, चमकदार राइस होते हैं, उसका ऊपर का उनका फाइबर हटा दिया जाता है, तो उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा रहता है। और ये सीरियल्स हैं, अलग अलग तरह के जो अनाज हम लोग चाहे चावल यूज करें, चाहे गेहूँ यूज करें, या मक्का यूज़ करें, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसके अलावा मिलेट्स, बाजरा का 71 है। ये वाइट ब्रेड जो सुबह हम लोग खाते हैं नाश्ते में, राइट, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 71 है, क्योंकि जो गेहूँ है उसके ऊपर का फाइबर कम कर दिया जाता है। इसके अलावा ये पम्पकिंस है, हाँ, कद्दू, कद्दू का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, 75। ये थोड़ी डिफरेंट बात है, इसलिए ऐसे लोग जो कद्दू और पूड़ी काफ़ी मीठी लगती है खाने में, उसी लिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लूकोज शरीर में बढ़ता है तेज़ी से, मुंह को भी अच्छा लगता है और ब्रेन को भी अच्छा लगता है। इसके अलावा ये इंस्टेंट ओट मील है, इंस्टेंट जो बनाने वाली ओट मील आते हैं पैकेट, उसका ज़्यादा होता है, वैसे ओट मील कम होता है। इसके अलावा पास्ता है, पास्ता और पिज्ज़ा इनका ज़्यादा होता है, पास्ता का 78 है। इसके अलावा कॉर्न सिरप है, टेबल शक्कर है, इसका 75 है। सोडा है, सोडा या सोडा जैसा कोई भी सुगरी ड्रिंक हो। और ये मुरमुरे, पफ्ड राइस, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 78 है। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसी चीज़ें जो मीठी हैं अपने को अच्छी लगती हैं, बेकरी की दुकान में मिलती हैं, फास्ट फूड की दुकान पर मिलती हैं, वो ख़राब होती हैं। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने हैं वो हमारी सब्जियाँ हैं, सब्जियों में एक आलू को छोड़ के, और दूसरा ये पम्पकिन हमने देख लिया है, जो हरी सब्जियां चाहे पत्तेदार हों, चाहे भिंडी है या पालक है या कॉलीफ्लावर है, ये सारी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक होता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हमारे फाइबर वाले खाने होते हैं, जैसे कि दलिया है, दलिया का बहुत अच्छा होता है, एग का अच्छा होता है, तो ये सारे डायबिटीज़ के और मोटापे के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, एक तो आपको ये पता चला होगा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने को कैसे पहचानना है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सारी बातों की जानकारी आपको मिली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और आप अपने से इसको समझ पाएंगे। कोई एक अलग अलग खाने को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप मुँह में रखेंगे, चखेंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लें कि आप खुशी के मौके में जो भी चीज़ें हम बाहर से ला के खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, मोटा मोटा हिसाब यही है। थैंक यू।